तो बेसिकली आज का जो क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है और हम लोग आज टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कवर करेंगे, पूरा मतलब 11th का 12th का दोनों कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स का मतलब कुछ होगा ऑर्गेनिक का रिएजेंट्स होता है, ठीक है। कुछ होता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ होता है आपका जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर एसिडिटी बेसिसिटी जैसे टर्म्स आएगा। इवन पढ़ोगे आप लोग आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म के अंदर भी बहुत सा टर्म आता है, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये सारा आपका ऑर्गेनिक का कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग बेसिक मेरा फोकस रहेगा ऑर्गेनिक का रिएजेंट्स, ठीक है। और हमारा जो रिएजेंट्स होगा उसका भी रहेगा एनसीईआरटी के बेस पे, ठीक है। तो पहले हम लोग खत्म करेंगे एनसीईआरटी में जितना रिएजेंट्स है उसका काम क्या है, वो सारा खत्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका आपका जो होगा बोर्ड का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जेईई मेन का नीट का पोर्शन का बात करते हैं तो आपका 70-80% आपका केमिस्ट्री खत्म हो चुका होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना खत्म करेंगे तो, ठीक है। और आपका जे एडवांस पे बात करते हैं तो जे एडवांस का 30-40% कवरेज इसके अंदर आपका रहेगा, ठीक है। जो डिफिकल्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का, डिफिकल्ट बोलना बोलने से ज्यादा बेटर है कि जिस पोर्शन को ज्यादा समझाने का जरूरत है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो अभी उन टॉपिक को हम लोग टच करेंगे जो इजीली आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका ऑर्गेनिक का रिएजेंट, वो भी जो एनसीईआरटी के बेस पर लिया गया है, ठीक है। क्योंकि आपका जितना भी कॉम्पिटिशन है, चाहे जेईई में है चाहे चाहे नीट हो, वो सारे एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा आज के डेट में, ठीक है। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का सारा खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर का जो पढ़ना है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना, आपके स्क्रीन पे आपका नोट्स दिया होगा जो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर चुका हूँ। तो आज का जो पहला जो रिएजेंट रहेगा कार्बाइड्स, ठीक है, कार्बाइड्स। तो कार्बाइड बेसिकली ऐसा कंपाउंड्स होता है जो हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो आपके पास कार्बाइड्स है, तो कार्बाइड्स आपका इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का लिंकेज बताता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे जंप करेंगे, ठीक है। तो कार्बाइड बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे तीन कार्बाइड लिया गया है। तीन कार्बाइड क्या क्या आपके पास है, एक है बेरिलियम कार्बाइड, एक है अल्मोनियम कार्बाइड और एक है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। और एक और कार्बाइड लिया गया है, चौथा, चौथा कार्बाइड क्या है, मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आयनिक कंपाउंड है तो हर कार्बाइड के अंदर कुछ ना कुछ आयंस होगा, तो याद है ना, बेरिलियम कार्बाइड के अंदर है Bn2 + C-4, ठीक है। अब इस बेरिलियम कार्बाइड में अगर हम वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं, अगर हम वाटर को प्लेस करेंगे, तो वाटर को जब डालेंगे तो वाटर के अंदर भी आयंस मौजूद होता है। तो वाटर के अंदर क्या आयन मौजूद होता है, मौजूद होता है अपने पास H+ एंड OH- मौजूद होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अब इस अगर बेरिलियम कार्बाइड को पानी में डालोगे तो होगा क्या, जो B+ है, B++ OH- चला जाएगा, ठीक है। यानी नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से कंबाइन कर लेगा और पॉजिटिव पार्ट यानी H+ कंबाइन कर लेगा नेगेटिव से। तो यहाँ पे C-4 है, तो C-4 है तो वहाँ पे कितना चार्ज, चार्ज नेगेटिव है, चार चार्ज नेगेटिव है, फोर चार्ज नेगेटिव है। उसको बैलेंस करने के लिए उसमें कितना H को जोड़ोगे, तो चार H जुड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा CH4, ठीक है। साथ में एक और चीज बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BOH, जिसको हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली फोकस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यानी मेरा जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी को हम जनरली दिखाते हैं, बाई प्रोडक्ट को हम दिखाते नहीं है जनरली, इसलिए यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दिखाया नहीं गया है, ठीक है। अगर ध्यान देना, अगर इसी इसी कंपाउंड में अगर हम डाल देंगे D2O, D2O मतलब हैवी वाटर, ठीक है। तो हैवी वाटर के अंदर क्या होगा, तो हैवी वाटर के अंदर क्या होगा, D+ and OD- होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो D+ है तो D+ चल जाएगा C-4 के पास, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CD4। तो बेरिलियम कार्बाइड को पानी में डालने पे क्या मिल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है मीथेन गैस। यानी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पानी डालने पे, नहीं वाटर ऐड करने पे हमको मिला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए इसको बोला गया है जो कार्बाइड्स होता है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को लिंक करता है। आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करेंगे हम अल्मोनियम कार्बाइड का, तो अल्मोनियम कार्बाइड के अंदर में आयन क्या होगा, इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप देखते हो तो बेसिकली ऐसा आयन बनेगा, यानी Al पे +3 चार्ज होगा एंड C पे -4 चार्ज होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर पानी आप डालोगे यानी वाटर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस ऐड हो जाएगा सी माइनस फोर में, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका सी एच फोर बनेगा। ठीक है, तो अल्मोनियम कार्बाइड में को भी अगर वाटर में आप ऐड करते हो तो आपका क्या बनेगा सी एच फोर यानी मीथेन गैस निकलता है। अगर अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड ध्यान दोगे इसमें थोड़ा सा आयन जो होगा वो तो डिफरेंट होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का जो आयन होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे होगा कैल्शियम प्लस टू, ठीक है, एन होगा एक होगा सी टू माइनस टू, यानी यहाँ जो कार्बन दो है तो दोनों कार्बन मिलके एक आयन बना रहा है। उसका आयन का आयन को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे हम लोग, उस आयन को बोल सकते हैं सी टू माइनस टू। अब सी टू माइनस टू है क्या, तो इसको इसका स्ट्रक्चर बना क्या दिखाया हुआ है, तो सी टू माइनस टू बेसिकली है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों इंड इंड जो कार्बन है उस कार्बन पे एक चार्ज नेगेटिव दोनों जगह रखा हुआ है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दोनों सी पे माइनस माइनस चार्ज है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान दोगे, तो कभी कभी क्वेश्चन आता क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होता है, तो ध्यान देना जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसमें कैल्शियम प्लस टू एन सी टू माइनस टू, ठीक है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड में कोई भी कोवेलेंट और कोई भी आयनिक बॉन्ड का मतलब उसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, तो कैल्शियम और सी टू माइनस टू में कोई भी बॉन्ड यानी कैसा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है। अगर बात किया जाएगा कि सी एच सी टू में कितना सिग्मा कितना पाई है, इसका मतलब इस सी टू माइनस टू के अंदर का जो बॉन्ड है उसको हम काउंट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सी टू माइनस टू में कितना सिग्मा कितना पाई है, तो सी टू माइनस टू में एक सिग्मा है, सी टू माइनस टू में एक सिग्मा है एंड दो पाई है। कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है, यानी आप इस बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम में। ठीक है, अगर इस आयनिक फॉर्म में अगर इस आयन में अगर वाटर ऐड करोगे तो वाटर ऐड कहाँ होगा, तो वाटर के अंदर एच प्लस आयन होता है और OH होता है, तो OH जाएगा सी प्लस टू के साथ, तो क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो अपना मेन प्रोडक्ट है, जो अपना मेन प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका जो कार्बन है यानी यहाँ पे जो माइनस माइनस दिख रहा है आपको वहां पे एच को जोड़ दो यानी एच प्लस वहां पे ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो अल्टीमेटली सी टू माइनस टू एच प्लस को ऐड करके क्या बनेगा, इथाइन गैस बनाएगा, इथाइन गैस बनाएगा, यानी कैल्शियम कार्बन को वाटर में ऐड करने से क्या बनता है, इथाइन गैस प्रोड्यूस होता है। अगर आपको डी टू डालोगे तो डी टू से डी टू में क्या होगा, डी प्लस होगा और ओडी माइनस होगा, तो यहाँ फिर से क्या होगा, यहाँ का डी प्लस ऐड हो जाएगा इस माइनस चार्ज पे, तो यहाँ पे क्या आपके अल्टीमेटली आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास प्रोड्यूस होगा ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एंड पॉइंट पे क्या होगा डी डी अटैच होगा, डी और डी अटैच कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखोगे आपके पास मैग्नीशियम कार्बाइड है, मैग्नीशियम कार्बाइड पे बात करेंगे तो इसके अंदर आयन क्या क्या होता है, एक आयन होता है एम जी प्लस टू और एक आयन होता है सी थ्री माइनस फोर, यानी तीन कार्बन थ्री कार्बन पे चार्ज माइनस फोर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका मतलब एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे इस कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है उसके उसका एंड पॉइंट पे चार्ज नेगेटिव है और जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है एंड पॉइंट पे उस पे चार्ज थ्री माइनस है, माइनस थ्री चार्जेज है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम कार्बाइड के फॉर्मूले में कितना सिग्मा कितना पाई है, यहाँ बॉन्ड आयनिक है, यहाँ बॉन्ड आयनिक है तो यहाँ कोई सिग्मा कोई पाई नहीं होगा, तो आपका सिग्मा पाई काउंट कहाँ करना, तो इस फिगर के अंदर आपको काउंट करना सिग्मा और पाई को, यानी सी थ्री माइनस फोर के अंदर आपको काउंट करना सिग्मा कितना है और पाई कितना है। तो आप इस स्ट्रक्चर को रेफर करोगे तो ध्यान देना यहाँ जब आप रेफर करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आपके पास सिग्मा कितना है, तो सिग्मा दो है और पाई कितना है, पाई भी दो है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम कार्बाइड में आपके पास दो सिग्मा है एंड दो पाई है। अब जब देख ध्यान से देना, इसमें अगर वाटर आप ऐड करते हो, ठीक है, जब वाटर ऐड करोगे तो वाटर का जो एच प्लस होगा यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ जहाँ पे माइनस थ्री चार्ज वहाँ पे तीन एच को अटैच करोगे और जहाँ पे माइनस वन चार्ज वहाँ पे एक एच अटैच होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब एच प्लस अटैच कर लेंगे तो यहाँ पे क्या गैस बन के निकलेगा, तो यहाँ से गैस बन के निकलेगा प्रोपाइन, यानी मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर पे ऐड करने पे प्रोपाइन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है आपको आपके लिए कार्बाइड के बारे में। ठीक है, ये कार्बाइड के बाद हम लोग मूव करते हैं अगला रिएजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएजेंट है जो आप लोग पढ़ चुके हो,
बेसिकली है क्या कि आपके पास कोई भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके एंड पॉइंट पर हम ए और ए दिखा दिए हैं, यानी एक जनरल केस लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को अगर आप कॉपर या एफी, कॉपर या एफी ट्यूब में रख के इसको हीट करोगे, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब भी हो और यहाँ पे एंड पॉइंट पे ए और ए हो, ठीक है, इस सिस्टम को अगर आप करते हो कॉपर या एफी ट्यूब में रख के हीट करके रखते हैं, तो बनता है आपके पास, बनता है एक बेंजीन जैसा सिस्टम बनता है, एक बेंजीन जैसा सिस्टम क्रिएट होता है। अब ये कैसे क्रिएट होता है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन करने से पहले ध्यान देना, ठीक है, इस पर डिस्कशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम में, यानी जब भी आप रिंग तैयार करते हो, रिंग, ठीक है, तो जब भी आप रिंग बनाते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब भी कोई रिंग बनाते, रिंग मतलब कोई भी क्लोज फिगर जब आप बनाते हो, तो कौन सा रिंग सबसे स्टेबल होगा आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक थ्योरी दिया गया था, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी का अजम्पशन क्या था, इसमें जूम कर चुका था कि जो भी हम साइक्लिक फिगर ड्रॉ करेंगे वो टू डी फिगर होगा, ठीक है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी का अजम्पशन था कि जो भी हम साइक्लिक फिगर सोचते हैं वो 2D में होता है, मतलब 3D में नहीं होता है, जो कि सही नहीं है, जो कि करेक्ट नहीं है। तो हम अगर बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बात करते हैं, तो अगर देखोगे यहाँ पे ये है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन बात करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन का अंदर का एंगल कितना है, तो अंदर का एंगल 60 है, जबकि साइक्लोप्रोपेन का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अगर साइक्लोप्रोपेन का कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो उसका एक्सपेक्टेड एंगल कितना था, sp3 हाइब्रिडेशन का एक्सपेक्टेड एंगल होता है 190 डिग्री एंड 28 मिनट, जबकि यहाँ पे एक एंगल एक्चुअली कितना है, तो एक्चुअली एंगल कितना है 60 का, तो एक्सपेक्टेड एंगल से कितना डेविएशन है, एक्सपेक्टेड एंगल से डेविएशन है 50 के आसपास का, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रेन बिल्डअप होगा, इसका डिमांड है 109 डिग्री 28 मिनट का डिमांड इसके पास है, बट आप सप्लाई कितना कर रहे हो, बट एक्चुअली में है कितना 60, तो इस फिगर में एक स्ट्रेन होगा 50 डिग्री का, मतलब इस सिस्टम में स्ट्रेन होगा 50 डिग्री के आसपास का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन का, तो ध्यान देना साइक्लोब्यूटेन का अंदर का एंगल होता है 90, ठीक है, और हमको पता है कि साइक्लोब्यूटेन का जो कार्बन हाइब्रिडेशन sp3 है, तो sp3 का एंगल होना कितना चाहिए था, तो होना चाहिए था 190 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट है कितना, है आपके पास 90, तो 90 है, तो इसमें स्ट्रेन कितना होगा 20 के आसपास का होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन का, तो इसका भी अंदर का एंगल 2D के बेसिस पे, तो आप लोग पता है, आप लोग मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का अंदर का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था n-2/n (π), ठीक है। तो उस फॉर्मूला को जब आप अप्लाई करोगे, आपका साइक्लोपेंटेन का एंगल निकल के आ जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। और हमको पता है कि साइक्लोपेंटेन का जो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज होगा, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, उसका एंगल कितना होना चाहिए था 190 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, ठीक है, बट है कितना 108 डिग्री, इसमें ऑलमोस्ट 1 डिग्री के आसपास का स्ट्रेन बिल्डअप है, ठीक है। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन में अगर 2D फिगर मानेंगे साइक्लोहेक्सेन को, तो साइक्लोहेक्सेन को 2D फिगर में हमें जूम करते हैं, उसका अंदर का एंगल होना चाहिए था 120, ठीक है, अंदर का एक्सपेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए था 120 होना चाहिए था, ठीक है, जो कि 2D फिगर में होता है। तो साइक्लोहेक्सेन का 2D फिगर में अंदर का एंगल कितना 120 है, और हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन का जो कार्बन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल कितना होना चाहिए 190 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो आपका जो एंगल है उससे बढ़ चुका है, उससे इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जितना जितना डिमांड है उसे आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, दोनों केस में आपके फिगर में स्ट्रेन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस पे आपका साइक्लोहेक्सेन फिगर में भी क्या होता है, आपका स्ट्रेन होगा ऑलमोस्ट 11 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये 2D फिगर का जो एजम्पशन है बेयर स्ट्रेन थ्योरी का, ये रॉन्ग है। आपका फिगर जो होता है साइक्लोप्रोपेन के बाद, आफ्टर साइक्लोप्रोपेन 2D फिगर होगा, लेकिन उसके बाद जो भी फिगर है वो फिगर 2D से एक्सटेंड होता है, यानी वो फिगर 3D में चला जाता है। साइक्लोबेटेन का भी 3D फॉर्म होता है,
साइक्लोपेंटेन का भी 3D फॉर्म होगा, और साइक्लोहेक्सेन का भी क्या होता है, 3D फॉर्म होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, और वहां पे स्ट्रेन होता है जीरो, मतलब साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल एंगल जो होता है, यहाँ दिखा रहे 120, बट 120 नहीं है, साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल एंगल होता है 190°28', तो साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल एंगल होता है साइक्लोहेक्सेन का 190°28', तो साइक्लोहेक्सेन के फिगर में कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, साइक्लोहेक्सेन के फिगर में कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका सबसे लीस्ट स्ट्रेन कहाँ होगा, साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। तो 3D का जो पॉसिबिलिटी है, और बेरेस चेन थ्योरी को दोनों को मिक्स करके हम सोचे, आपका जो रिंग का स्टेबिलिटी है, तो रिंग का स्टेबिलिटी इस तरीके से चलता है। तो जब भी केमिस्ट्री में रिंग बनेगा तो ध्यान देना आपका रिंग का स्टेबिलिटी ऐसे चलेगा। तो पहले होगा सबसे मोस्ट स्टेबल रिंग होता है 6 मेंबर, ठीक है, फिर होगा 5 मेंबर, फिर होगा 7 मेंबर रिंग, फिर होगा 4 मेंबर, फिर होगा 3 मेंबर। यानी आपका रिंग का स्टेबिलिटी इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है, 6 5 7 4 3, ठीक है, तो इस तरीके में चलेगा। अब हम लोग का जो डिस्कशन जो हम लोग स्टार्ट किए थे कि इस सिस्टम में, ठीक है, और इस सिस्टम में इसको कैसे काम करेंगे, नहीं यहाँ पे 111 कार्बन और ए एंड बॉन्ड पर अगर ए लगा हो और कॉपर इफेक्टिव हो, वहां से हम क्या बोलते हैं कि बेंजीन जैसा सिस्टम क्रिएट होता है। तो ऐसा ही क्यों होता है उसको लॉजिक समझोगे आप, ठीक है। उससे पहले ध्यान देना, इस अगर कभी भी ऑर्गेनिक में ऐसा कंपाउंड दिखे, यानी आपका साइक्लोब्यूटेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ये होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना हम बात क्या कर रहे थे कि ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में डालेंगे कॉपर इफेक्टिव, हीट तो बनता है बेंजीन, यानी बेंजीन सा फिगर बनेगा। तो ऐसा ही क्यों बनता है इसका लॉजिक हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो अब लॉजिक ध्यान देना, तो ध्यान दोगे यहाँ पे, यहाँ उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ ये जो फिगर है, जब भी आपके पास साइक्लोब्यूटेन के अंदर दो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, साइक्लोब्यूटेन फिगर के अंदर दो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, इस फिगर को हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी ये फिगर होता है हाली अनस्टेबल, ये फिगर होगा हाली अनस्टेबल। अगर हम बात करेंगे बेंजीन सिस्टम का, तो बेंजीन सिस्टम को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी ये क्या होता है, हाली स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सर हाली स्टेबल, ठीक है। और ऐसा कुछ फिगर बनता हुआ दिखेगा तो ये फिगर का स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब इसमें सबसे स्टेबल क्या होगा, बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड, बीच में आ जाएगा ये फिगर यानी साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, ये फिगर। उसके बाद होगा ये साइक्लोब्यूटेन के अंदर जो डबल बॉन्ड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये होता है हाली अनस्टेबल, ये होगा हाली अनस्टेबल, ठीक है। इस लॉजिक पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा एक क्यों बन रहा है, ठीक है, यानी ए ट्रिपल बॉन्ड ए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ए ऐसा ही क्यों बनाता है। ध्यान देना इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं हम, तो ध्यान देना यहाँ पे ए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ए को अब जब कॉपर ट्यूब में रख के हीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना उस आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ हिंट हम दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं दिया होता है, ठीक है, और ना ही आपको बैलेंस इक्वेशन आपसे डिमांड किया जाता है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहते हो तो ना ही आपको बैलेंस इक्वेशन दिया रहेगा और ना ही आपसे डिमांड किया जाएगा, ना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप बैलेंस इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो आपके पास अगर यहाँ पे एक पार्टिकल हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है। तो आपको आपको इसमें कितना रिएक्टेंट आपको चाहिए, तो पॉइंट है कि जब भी आपको जब भी कोई प्रोडक्ट को बनाना होगा तो आपको जितना भी रिएक्टेंट जितना चाहिए उतना आपके पास अवेलेबल है। यानी आपको पास जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा एक्सेस में होता है, आपको जितना चाहिए उतना आपके पास अवेलेबल है, उतना आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू डोंट नीड टू बैलेंस द रिएक्शन एंड यू कैन हैव एज मैनी रिएक्टेंट टू फॉर्म द स्टेबल प्रोडक्ट। यानी एक स्टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको जितना रिएक्टेंट का नीड है उतना रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल होता है,
रिलेटेड आपको पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का हम बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का हम बात करेंगे तो हम बता चुके हैं कि मोस्ट स्टेबल रिंग क्या होता है, 6 मेंबर, फिर 5, फिर 7, फिर 4, फिर 3, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये ट्रिपल बॉन्ड ए, ए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ए वाले सिस्टम में अगर हम कॉपर और ट्यूब रख के हीट करें, इसमें पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दो पार्टिकल लेके अपने पॉट को बनाएंगे, अगर हम दो पार्टिकल चूज कर रहे हैं सिस्टम में, उसको हम इसको जब हम इसको बनाएंगे तो ध्यान देना, तो क्या होता है, दो पार्टिकल पहले यहाँ पे चूज किया गया है, ठीक है। दोनों का एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया गया है, दोनों का जब पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दोनों का ऐसा रेडिकल बन सकता है, ठीक है। अब इस रेडिकल को आप कंबाइन कर दो, इस रेडिकल को आप कंबाइन कर दो, ठीक है। जब रेडिकल कंबाइन करोगे तो आपका अल्टीमेटली ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, आपका यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएशन होगा, ठीक है, जिसको आप ऐसा दिखा सकते हो। अल्टीमेटली ये साइक्लोब्यूटेन के अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड बन चुका है, ये सिस्टम क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और हम पढ़ चुके हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको जो ए रूट हम बता चुके हैं, यानी ए जो रूट बनाया गया है, ए रूट पॉसिबल नहीं होगा, यानी इस रूट के थ्रू हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस रूट अगर आप दो पार्टिकल लेके आप उसको ज्वाइन करते हो तो आप एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हो जो कि पॉसिबल, यानी जो बनेगा नहीं, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी अनस्टेबल चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बनाते हम लोग, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो वो कभी क्रिएट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर तीन पार्टिकल होगा तो क्या होगा, अगर इस सिस्टम का तीन पार्टिकल लेके, यानी तीन पार्टिकल लेके बनाएंगे तो क्या बनेगा, तीन पार्टिकल इस तरह अरेंज होगा सिस्टम में, सबका एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या होगा, वैलेंसी खाली करके आपस में ज्वाइन करेगा, तो आपका एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसको हम बोल सकते हैं कि बेंजीन सिस्टम की तरह फॉर्म कर चुका है, ठीक है। यानी बेंजीन बना चुके हैं और हर कार्बन पे एक ए जुड़ा हुआ है, जो बिगनिंग में था ए, वो सब में ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये सिस्टम आपका कैसा हो रहा था, सिस्टम आपका एरोमेटिक कंपाउंड क्रिएट कर रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। अगर हाईली स्टेबल होगा तो ये आपका फॉर्मेशन फेवर करेगा, ये फॉर्मेशन फेवर करेगा, ठीक है। और अगर आप चार मॉलिक्यूल जोड़ते, आपका चार मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये 8 मेंबर रिंग क्रिएट हो चुका है। इन तीनों पॉसिबिलिटी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी का, तो कौन सा पॉसिबिलिटी फेवर करेगा, जो पॉसिबिलिटी सबसे स्टेबल होगा वो फेवर हमेशा करेगा। तो आपको दिख रहा है कि सबसे स्टेबल पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो सबसे स्टेबल पॉसिबिलिटी ए फिगर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो हम रिएजेंट का बात किए थे, ठीक है, तो उस रिएजेंट में अगर हमेशा रहेगा तो पहले क्या बनाओगे, तो पहले बनाओगे बेंजीन सिस्टम, ठीक है। यानी इस पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ है तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इथाइन लिया गया है, यहाँ पे ए और ए के बदले क्या है, HH है, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बना के यहाँ पे HH जोड़ देंगे, ठीक है। यानी आपका बन गया बेंजीन पूरा, ठीक है। अगर ए के बदले अगर F ले लेंगे तो फिर से वही काम करोगे कि बेंजीन रिंग ड्रॉ करना आपको, और उसमें क्या करना, आप FF जोड़ दोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम इस तरह का चीज, ठीक है, अगर CL रहेगा तो CL से जुड़ जाएगा, CH3 रहेगा तो क्या होगा, CH3 रहेगा तो क्या होगा, सारे जगह पे बेंजीन रिंग के सारे कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ चुका होगा, CH3 जुड़ चुका होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे एक जगह H है और यहाँ पे एक जगह CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हम अरेंज करेंगे बनाएंगे तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बना चुके हैं, और बेंजीन रिंग के बाद क्या किया है कि हर अल्टरनेट पॉइंट पे, हर अल्टरनेट पॉइंट पे CH3 अटैच है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि कभी भी दो CH3 पास नहीं रखा गया है, दो CH3 पास रखने से प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके सिस्टम में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी बल्कि बड़ा बड़ा ग्रुप एक साथ कभी आना नहीं चाहता है, बल्कि ग्रुप कभी भी एक साथ नहीं आना चाहता है। इसका मतलब, इसलिए कहीं देखना कि दो CH3 को एक साथ कभी नहीं लिखे हम, ठीक है। अगर मेरे पास अपने हिंड्रेंस को कम करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मॉलिक्यूल उसको अडॉप्ट करेगा जहां पर हिंड्रेंस कम होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट रखा गया है, यानी बेंजीन फिगर बना के CH3 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 उसका क्या है, HHH लिया गया है, ठीक है।
और जो फिगर है, इस फिगर को बोलते हैं हम लोग, इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइलिन। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, मेसिटाइलिन का मतलब होगा बेंजीन फिगर में ऑल्टरनेट पोजिशन पे CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो आपका पहला जो सेकेंड जो हम पढ़ थे रिएजेंट आज के क्लास का, वो खत्म होता है। यानी जब भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम होगा और उसमें कॉपर एफ ट्यूब होगा, तो आपको क्या करना है, आपको बेंजीनिंग सिस्टम बनाना है, और जो एंड पॉइंट का ग्रुप होगा, जो एंड पॉइंट का ग्रुप्स होगा, उसको उस रिंग से अटैच करके दिखा देना है। ठीक है, तो ये होगा पहला रिएजेंट और उसका उसका अप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएजेंट है, जब भी आपके पास ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ मतलब किसी भी कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा होगा, किसी भी कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा होगा, ठीक है, और कितना हैलोजन, 3 हैलोजन। अगर आपके कार्बन से 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में एक ग्रुप ए जुड़ा हुआ है जो कि वैरी कर सकता है, आपके लिए पॉइंट, आपको पॉइंट क्या समझना है कि जब भी कार्बन से 3 हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, कार्बन से 3 हैलोजन जुड़ा होना चाहिए और उसमें एजी होगा, उसमें एजी होगा यानी सिल्वर होगा, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको दो ऐसा पार्टिकल सोचना है। ठीक है, आपको दो ऐसा पार्टिकल सोचना है और बीच में आ जाएगा एजी। ठीक है, तो लेफ्ट लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल पे भी 3 हैलोजन है और राइट वाले मॉलिक्यूल पे भी क्या है, 3 हैलोजन है। ठीक है, और बीच में एजी है, तो हैलोजन कितना होगा, टोटल 6 हैलोजन हो गया, तो 6 हैलोजन को 6 एजी मिलकर निकाल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका एजी एक्स बन के बाहर चला जाएगा, और आपका ऐसा इस प्रोसेस में इस कार्बन का 3 वैलेंसी खाली हो चुका है और इस कार्बन का 3 वैलेंसी खाली हो चुका है। ठीक है, तो ये जो दोनों कार्बन है उसका 3 वैलेंसी खाली हो चुका है, तो आपस में ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएगा, आपस में ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएगा। यानी जब भी हम बात कर रहे हैं ऐसा कि कार्बन पे 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है और एजी होगा, तो वो सिंपली क्या करना है कि उस 3 हैलोजन को हटा देना है और बीच में क्या लगाना है, बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। यानी सिंपली क्या करना है, आपका ए और सी इसको बस चूज करना है, और एक और ऐसा ही ए और सी चूज करके सी और सी के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सी और सी के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका इसका एप्लीकेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCCl3 है। ठीक है, इसमें एजी डालेंगे तो क्या किया गया, Cl3 हटा दिया गया है और HC, और दूसरे उसको रिवर्स करके सोचो, यहाँ पे CH लगा के बीच में क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे HC लिया गया और हैलोजन को हटा दिया गया, और दूसरा ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है कि वहां का भी हैलोजन को हटा दो और दोनों को आपस में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, दोनों को आपस में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। यहाँ इसका एग्जांपल आप देखोगे, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे कार्बन पे 3 हैलोजन है, तो CH3CCl3 में एजी डाला गया, उसमें भी क्या कर रहे हैं कि CH3C वाले पॉइंट को लेके बाकी हैलोजन को हम निकाल चुके हैं और ऐसा एक और पार्टिकल हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, इस कार्बन कार्बन में क्या होगा, हम ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो हम CH3C को जो हम चूज कर रहे हैं, इसी को हम डबल कर दे रहे हैं, और जो कार्बन कार्बन उसके बीच में क्या लगा दिए हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जो CH3C है, इसका हम मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हैं, मिरर इमेज, और मिरर इमेज जब ड्रॉ करेंगे तो उस दोनों मिरर इमेज के बीच में जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, उसके बीच में लगा देंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फिनाइल सिस्टम है और यहाँ पे फिनाइल सिस्टम के साथ कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब एजी प्लस करोगे तो एजी प्लस करने से क्या होगा, फिर से वही करेंगे, काम करेंगे, आपका सिस्टम ये सिस्टम आपका है जो रिएक्ट करने वाला है, बाकी ब्रोमीन को हटा दो। ठीक है, इस सिस्टम का मिरर इमेज यानी ऐसा ही एक और सिस्टम बना के बीच में कार्बन कार्बन में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, बीच में कार्बन कार्बन में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, वहां भी क्या हो रहा है, देखोगे यहां से आप, तो 4 में भी क्या है, CH3 CH2 CI3 है, इसमें एजी होगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो I3 उसको हटा देना है और सिस्टम को डबल करके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, सेम है यहाँ पे होगा आइडोफॉर्म में, आइडोफॉर्म का 3I हट चुका होगा, 3I का हटने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह का सिस्टम यानी इस तरह का इथाइन क्रिएट हो रहा है। तो आपको ध्यान देना, जब भी आप को रिएजेंट दिया रहेगा तो आप फिगर देख के आप डरना मत,
और इनके में से बहुत लोग को क्या है, आपको फिगर का फोबिया होता है, आपको फिगर का फोबिया नहीं है करना है, आपको सिंपली है आप स्ट्रक्चर को देखना, देखना कि रेशन कहाँ होने वाला है, तो आपको दिख रहा है कि रेशन यहाँ होने वाला है तो बस उतने ही पार्ट पर फोकस करना और अपना जो पॉइंट उसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। आपको बड़े फिगर में, फिगर कितना ही बड़ा हो जाए लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा, तो आपको ज्यादा फोकस करना है लॉजिक पे, ना कि आपको फिगर देख के डरना है। तो कभी भी केमिस्ट्री में फिगर देख कर डरना नहीं है आपको, ठीक है। चाहे फिगर कितना भी लार्ज हो जाए, कितना ही बड़ा फिगर हम ड्रॉ कर दें, आप देखना कि इस रिएक्शन का लॉजिक क्या है, वो आपको काम करना है, तो ठीक है। तो फिगर देख कभी आपको डरना नहीं है।